अंकल, ये रहे पैसे। शहर का सारा पानी, फिर चाहे वो घर में हो, पाइप्स में हो, तालाब या नदी का पानी हो, जम रहा है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी जम रहा है। उस पर बर्फ जमा हो रही है और शहर के कई इलाकों में अचानक से टेम्परेचर -20 डिग्री तक नीचे गिर गया है। अजीब पर सच। बड़ी अजीब बात है सिंपू, चलो सिटी लेक चलकर देखते हैं। मैं भी चलूंगी। यहाँ तो पूरा पानी फ्रीज हो गया है। अब क्या होगा चिंपू? रुको रुको। हमको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है हमारे देश में जो है? नहीं सर, ग्लोबल वार्मिंग से तो सब गर्म हो जाता है, या तो बर्फ बन रहा बर्फ। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग का परिणाम है। सब वाला बरका, ग्लोबल कूलिंग का परिणाम। वाह, लो सर आ गए। कमिश्नर सर आ गए। सर सर प्लीज बताइए, इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? हाँ जी, मैंने और मैट डिपार्टमेंट ने भी ऐसी किसी एनवायरमेंटल चेंज की संभावना को नकार दिया है। उनके हिसाब से तो ये कोई नैसर्गिक आपत्ति है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहर का सारा पानी बर्फ बनता जा रहा है। और ये तो सिर्फ कुछ इलाकों में ही हो रहा है जी, सब जगह नहीं। अब जैसे कि मेरे घर में पानी आ रहा है, बर्फ नहीं। और वैसे भी पानी के पाइप से बर्फ कैसे आएगी? मतलब मेरे इलाके में बर्फ जम गई है? अपनी माँ से कहना जी पानी नहीं आएगा, टाइम वेस्ट ना करें। और क्योंकि लगता है कि सारा पानी जम जाएगा जल्दी। आपको ऐसा क्यों लगता है? और क्योंकि मुझे डाउट है कि कोई ये जानबूझ के कर रहा है। इस सब के पीछे किसी इंसान का हाथ जरूर है जी, इसलिए मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारे डिपार्टमेंट के होशियार और होनहार इंस्पेक्टर प्यारे लाल को सौंप रहा हूँ। बाय चिंपू सिंपू। इंटरनेट पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, मैं डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट के बारे में सर्च करते हैं, क्या पता किसी ने कुछ पोस्ट किया हो। इन 5 साइंटिस्ट में 3 साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिसर्च में बिजी हैं और ये एक साइंटिस्ट मिस्टर प्रसाद स्पेस टेक्नोलॉजी में बिजी हैं। मगर ये क्या, साइंटिस्ट मिस्टर पांडे जो काफी सालों से हाइड्रो टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। अरे इनकी तो खुद की लैब भी है। ये जगह तो शहर से दूर लगती है, वहाँ से कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। सिंपू, लेट्स सी पांडो प्यारे क्या कर रहे हैं इस केस में। डॉक्टर पांडे यहाँ? अपने 20 साल के करियर में मैंने ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा, पर मैं इस पानी के जमने की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो हमें वो सलूशन जल्दी से जल्दी निकालना होगा। ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी लैब में नए इक्विपमेंट्स लाने होंगे, कई सारे साइंटिस्ट चाहिए होंगे और इस सब के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ओ 10 करोड़! ठीक है कमिश्नर साहब, आप खुद ही इस प्रॉब्लम से निपटो। कमिश्नर अंकल ने डॉक्टर की ऑफर रिजेक्ट कर दी। प्यारे लाल, शहर के बाकी साइंटिस्ट को इकट्ठा करो और उन्हें इस प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहो। जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम्हें ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। यस सर। सिंपू, सरकार ने डॉक्टर को 10 करोड़ रुपए देने से इनकार किया, कहीं इसमें डॉक्टर पांडे का तो हाथ नहीं? और इसका मतलब कि ये सब वही कर रहा है, इसीलिए तो इतने सारे पैसे मांगे। मतलब डॉक्टर पांडे के पास ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा, कोई केमिकल या सॉल्वेंट। हमें डॉक्टर पांडे की लैब जाना होगा। और ये रहा लैब का एड्रेस।
आगे बढ़ के आपको क्या मिलेगा? कमिश्नर साहब ने कहा था, प्यारे लाल अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें ही ढूंढना है। वही कर रहा हूँ। जमे हुए बर्फ को फिर से पानी बनाने के लिए कौन सा सॉल्वेंट, कौन सा केमिकल यूज करना है, वही ढूंढ रहा हूँ। इस किताब में? इसमें नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। स्कूल में ही पढ़ाते हैं। मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ। लेकिन चौथी कक्षा का केमिस्ट्री बुक में थोड़ी ना मिलेगा? अरे ऐसा होता तो कोई भी बच्चा इस प्रॉब्लम को सुलझा देता सर। दसवीं कक्षा की केमिस्ट्री बुक देखते हैं सर। हम दसवीं का नहीं, सीधा बारहवीं का केमिस्ट्री के बुक में खोजूंगा। I'm स्मार्ट हूँ। इससे अच्छा हम डॉक्टर पांडे के लैब में चलते हैं। तिकड़े तो सारी किताबें होंगी। वाह! डॉक्टर पांडे की लैब। सिंपू, वो रही डॉक्टर पांडे की लैब। रेडी फॉर द एक्शन। क्या चाहिए? कुछ नहीं। चलो भागो यहाँ से। सुना नहीं, भागो यहाँ से। एक्चुअली केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन का आंसर पूछने आया था, जिसका जवाब सिर्फ डॉक्टर पांडे के पास है। मार डाला। बदमाश लड़के, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सिंपू, चलो लैब में चलते हैं, कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा। आइस चेंबर, कुछ तो गड़बड़ है। ओ माय गॉड, तो ये फ्रीजिंग फॉर्मूला आइस 7 डॉक्टर की साजिश है। थैंक्स सिंपू, इससे जरूर हेल्प मिलेगी। तो ये है फॉर्मूला। हाँ, यही है। और ये रहा सॉल्वेंट। हे लड़के, क्या कर रहे हो मेरे लैब में? पुलिस यहाँ? सर, हम बारहवीं तक की केमिस्ट्री की किताबें तो देख चुके, अब बीएससी की देखते हैं। हाँ, हम स्मार्ट हो, हम सीधा एमएससी केमिस्ट्री की बुक चेक करूंगा। पांडू, कुछ तो गड़बड़ है। ए लड़के, चुपचाप वो फॉर्मूला मेरे हवाले कर दे, नहीं तो। इतनी आसानी से नहीं। क्या किया तूने? क्यों किया आपने ऐसा डॉक्टर? ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। फिर ऐसा करोगे? नहीं, कभी नहीं। अब आपको ही शहर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। ओके ओके। हाँ, मेरा फॉर्मूला मुझे दे दो। सिंपू, रन फास्ट। अब आएगा मजा। तो ये आइस 7 आपका कमाल है। क्या है ये सब गड़बड़, बोलो डॉक्टर साहब। चलिए
आपको हवाला किससे करवाते हैं? चलिए। हेलो दिया। यस चिंपू, अब शहर में पानी कभी फ्रीज नहीं होगा। वाओ चिंपू, यू आर ग्रेट। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम।